विंध्याचल का भी अपना ही एक अनोखा अंदाज है। मावे और दूध की बनी मिठाइयाँ तो आपने जरूर खाई होंगी, लेकिन दूध की खुरचन को भी अलग अंदाज में परोसने का हुनर इसी अंचल के पास है। जी हाँ, विंध्याचल में बहुत ही ज्यादा फेमस है दूध की खुरचन से बनी ये मिठाई, जिसे एक बार आप भी चख लेंगे तो जिंदगी भर इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। यही है वो स्पेशल मिठाई जिसमें बसा है विंध्याचल के जायके का स्वाद, जो खुरचन मिठाई के नाम से प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कई राज्यों में मशहूर है। व्यवसाय लगभग लगभग हमारे पूर्वज लोग भी करते थे, लगभग 50 या 60 साल वर्ष पहले से चालू है। हम लोगों का घरेलू उद्योग है, हम लोग यही हमारे पूर्वज लोग भी करते थे। बहुत दिन से बन रहा है, पहले नागौर में बनता था, फिर रामपुर बनने लगा, रामपुर में इसे अब अच्छा व्यवसाय चलने लगा। खुरचन तो सब जगह जाता है, बाहर भी जाता है, गांव के भी लोग खाते हैं। पिछले 60 सालों से दूध की खुरचन से स्वादिष्ट अंदाज में साल भर यूं तो मिठाई दिखती है, लेकिन त्योहारों के मौके पर विंध्याचल के जायके का स्वाद हर कोई लेना चाहता है। लिहाजा होली पर दूध की खुरचन से तैयार होने वाली इस मिठाई की डिमांड काफी बढ़ जाती है। जहाँ लगभग यही व्यवसाय खुरचन का ही है और ये पुश्तैनी व्यवसाय है, जब 10-15, 15-20-20 किलो हर आदमी बनाता है, इस तरह के सैकड़ों लोग हिमाचल प्रदेश तक भेजा है, दिल्ली इंदौर तो जाता ही है। खुरचन मिठाई पूरे विंध्याचल की पहचान बन चुकी है, यहाँ से गुजरने वाला हर राहगीर इसका स्वाद चखने और अपने परिवार के लिए ले जाने से खुद को रोक नहीं पाता। ये मिठाई विंध्य की कई छोटी बड़ी मिठाई की दुकानों पर मिल जाएगी, लेकिन खुरचन मिठाई की जगह बदलती है, लेकिन इसके स्वाद में कभी अंतर नहीं मिलता। नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज, सतना।